गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना परिपूर्ण कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन माह में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्य माह की तुलना में सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। यह माह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस माह में भगवान शिव के साथ भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ व्यक्तियों को सांसारिक सुख की कामना रहती है, उन्हें भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में खुशियाँ आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। जो महिलाएं सावन में भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का पूजन करती हैं, उन्हें सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देती हैं। सावन माह का हर दिन बहुत ही खास होता है, लेकिन सावन माह के सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए भक्त सावन माह में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जो कुंवारी कन्या सावन सोमवार का व्रत करती है, उन्हें भोलेनाथ की कृपा से मनचाहा वर प्राप्त होता है। दंपत्य जीवन को सफल बनाने के लिए सावन सोमवार का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से मनोकामना पूर्ण तो होती ही है, जीवन में आ रही चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। सावन माह में वैसे तो रोजाना भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन सावन माह के सोमवार के दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से हमें पूजन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको सावन माह के सोमवार के दिन, यानी कि आज जो बड़ा सोमवार है, सावन माह के जो भी सोमवार है, उन सभी में ये उपाय कर सकते हैं और आज भी आपको ये उपाय करना चाहिए। शास्त्रों में यह उपाय बहुत ही असरकारक बताया गया है। इस उपाय को करने से भगवान शिव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और मन चाहा वरदान देते हैं, और इस उपाय को करने से पापों का नाश होता है। अगर पापों का नाश होगा तो पुण्य में वृद्धि होगी, और अगर पुण्य में वृद्धि होगी तो जीवन में खुशहाली आएगी, किस्मत साथ देने लगती है और नौकरी व्यापार में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं, व्यापार अच्छा चलने लगता है, धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होती हैं। भोलेनाथ की कृपा से रातों रात किस्मत चमक जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। भोलेनाथ के पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय अगर शास्त्रों में बताया गया है तो वो है प्रदोष काल का। प्रदोष का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक माना जाता है। इसलिए हो सके तो उस समय आप भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए आपको। इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि 12 बजे के पहले आपको इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को करने से पहले आपको स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं या भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने से पहले आपको एक शुद्ध दी का एक दिया लगाना है। ध्यान रखें, उसे अभी प्रज्वलित ना करें। दीपक बनाने के पश्चात आप इस दीपक को अपने मंदिर में भगवान के सामने रखें। आप जब ये दीपक रखेंगे तो ध्यान रखें जमीन पर आपको नहीं रखना है, नीचे या तो आप थोड़े से साबुत चावल रख दें, या तो गेहूं रख दें, या फिर कोई बर्तन, खाली कटोरी, प्लेट वगैरह जो भी है आपके पास वो रख सकते हैं, और उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। हो सके तो आप दीपक के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी आपको अवश्य जलानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजन के समय जितनी सुगंधित वातावरण अगर हमारे आसपास रहेगा तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आसपास के जो देवी देवता हैं, आसपास का जो वातावरण है वो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। साधु संन्यासियों के अलावा गृहस्थ लोगों को भी भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान गणेश को प्रणाम करें, भगवान शिव को प्रणाम करें, माता पार्वती को प्रणाम करें, कार्तिकेय को प्रणाम करें और नंदी जी को भी आपको प्रणाम करना है। अगर आप मंदिर में शिवलिंग जी का पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पर कुमकुम न चढ़ाएं। भोलेनाथ की प्रतिमा या तस्वीर पर ही आपको कुमकुम से तिलक करना चाहिए। तिलक करने के पश्चात अब आपको भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करना है। एक डंडे में जो 3 बेलपत्र जुड़े हुए होते हैं
आपको वही बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र आप जब भी चढ़ाएं शुद्ध करके चढ़ाएं, और साथ ही आपको काले तिल लेने हैं। अगर काले तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक चुटकी तिल जो है वो आपको आपके दीपक में डाल देना है, और उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। ध्यान रखें, आपकी पूजा जितनी भी देर की होगी उतनी देर तक वो दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। तो ध्यान रखें उस हिसाब से ही घी या तेल जो जिसका भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप उसमें घी या तेल डालें। अब भोलेनाथ के सामने एक खाली पात्र रखें अपने दाहिने हाथ में, यानी कि सीधे हाथ में आप थोड़ी सी काले तिल लें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। मन ही मन में उनका नाम स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उन्हें ये काले तिल अर्पित कर दें। ध्यान रखें आप प्लेट रख लें सामने और उस प्लेट में आप ये अर्पित कर दें। इस तरह से आपको तीन बार आपको भोलेनाथ जी का ध्यान करना है और तीन बार थोड़े थोड़े काले तिल आपको अर्पित करना है। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर ही आपको चढ़ाना है। तिल का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए मकर संक्रांति को भी तिलों का पर्व कहा जाता है। षटतिला एकादशी भी तिलों की महत्वता को दर्शाती है और मनाई जाती है। तिल भगवान विष्णु जी को बहुत अधिक प्रिय होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को अगर हम तिल अर्पित करते हैं तो पापों का क्षय होता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तिल अर्पित करने के पश्चात आप पुरुष अगर हो तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर ये जाप महिलाएं कर रही हैं, ये उपाय महिलाएं कर रही हैं, तो उन्हें नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव अग्नि स्तंभ के स्वरूप में प्रकट हुए थे, तब उनके पांच मुख थे। उन्हीं पांच मुख से नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। यह मंत्र सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है और मोक्ष देने वाला होता है, समस्त व्याधियों को शांत करने वाला होता है। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार भगवान शिव के सामने ही जाप करें। ध्यान रखें अगर मंदिर में अगर आप ये जाप करते हैं तो इसका फायदा आपको ज़्यादा मिलता है। हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप उसे दीपक को उठाकर भगवान शिव की आरती करें, भगवान भोलेनाथ की आरती करें। अब आप हाथ जोड़कर शिव परिवार को प्रणाम करें और जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उन सभी के लिए आप क्षमा मांगें। इस उपाय को करने के बाद जो काले तिल जो आपने दिए में डाले थे और जो आपने भगवान शिव को पात्र में अर्पण करे थे, उन्हें अगले दिन यानी कि आपको मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के वहाँ पर, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको नीचे रख करके आ जाने हैं। यदि आप बहते हुए जल में अगर डाल सके तो आपको बहते हुए जल में भी ये डाल देना है। दीपक में काले तिल डालकर भगवान शिव का पूजन करने से आपके जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं वो सब समाप्त हो जाएगी। और भगवान शिव को आप काले तिल अर्पित करते हैं उससे आपका जीवन दुर्भाग्य से सौभाग्य की तरफ बढ़ने लगेगा। इस उपाय को करने के साथ साथ भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती है। इस उपाय को आप बिल्कुल विधि पूर्वक करिएगा, बड़े आराम से करिएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। केवल ये आप सावन के सोमवार के दिन ही आपको करना है। कोई भी सोमवार ले सकते हैं, आपको सावन के सोमवार के दिन ही इस उपाय को करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। प्रणाम।